नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तकनीकी वर्ल्ड के एक और मज़ेदार कैमरा कंपैरिजन में। तो आज हम यहां पे कंपेयर करने वाले हैं Realme 6 Pro के कैमरास को पोको M2 Pro के साथ। दोनों में ही आपको क्वाड रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। Realme 6 Pro के बारे में बात करें तो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है, उसके अलावा 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। फ्रंट में भी आपको ड्यूअल कैमरा दिया गया है 16+8 मेगापिक्सल का। वहीं पे पोको M2 Pro के बारे में बात करें तो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो इन दोनों फोन्स के बीच में हम कैमरा कंपैरिजन करेंगे, अलग अलग कंडीशन में फ़ोटोज़ लेंगे एंड आपको दिखाएंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा फ़ोन यहाँ पे बेटर परफॉर्म करता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मेरा नाम है संजय, आप देख रहे तकनीकी वर्ल्ड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत मज़ेदार कंपैरिजन आने वाले हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का सैंपल है, दोनों ही फ़ोन ने अच्छा काम किया है, डिटेलिंग वगैरह बढ़िया देखने को मिल रहा है, फोरग्राउंड बैकग्राउंड सारी चीज़ें यहाँ पे फोकस में है एंड यहाँ पे डिफरेंस देखा जाए तो जो स्किन टोन है उसका ही थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अभी प्राइमरी लेंस पे मूव करते हैं तो प्राइमरी लेंस पे मूव कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेचुरेशन है उसका फ़र्क देखने को मिल रहा है एंड जो स्किन टोन है वो भी यहाँ पे डिफरेंट है दोनों ही फ़ोन में। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही फ़ोटो अच्छी है, दोनों ही बढ़िया है, आपको कौन सी पसंद आती है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन कर दिया है, एज डिटेक्शन दोनों ही फ़ोन ने काफ़ी बढ़िया किया है, कहीं पे भी कोई इश्यू नहीं है, फोरग्राउंड बैकग्राउंड सब कुछ अच्छे से सेपरेट किया है। बट यहाँ पे जो टी शर्ट है उसको यहाँ पे पोको ने बेटर दिखाया है, बेटर हैंडल किया है कम्पेयर टू रियलमी 6 प्रो। 2x जूम कर लिया है, यहाँ पे रियलमी में टेलीफोटो लेंस है, पोको में आपको डिजिटल जूम होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो नेचुरल फ़ोटो है वो यहाँ पे रियलमी की है, टी शर्ट का जो कलर है वो नेचुरल रियलमी ने दिखाया है, जबकि पोको ने उस कलर को यहाँ पे डिजिटल जूम होने की वजह से चेंज कर दिया है। ये कुछ और शेडोड एरिया में मैंने फ़ोटोज़ निकाले हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन अच्छा परफॉर्म करते हैं। जो स्किन टोन है उसका फ़र्क देखने को मिल जाता है, पोको यहाँ पे स्किन टोन को येलोइश बना देता है जबकि रियलमी जो एक्चुअल स्किन टोन होता है उस तरह का दिखाता है। ये कुछ और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से लिए गए सैंपल है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटोज़ होते हैं वहाँ पर दोनों ही फ़ोन अच्छा परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर सरप्राइजिंगली पोको ने बेटर वर्क किया है। ये कुछ और फोटोज़ है तो यहाँ पे कभी कभी Realme 6 Pro बेटर वर्क करता है, कभी कभी पोको बेटर वर्क करता है। यहाँ पे ग्रीन्स है तो वो ज़्यादा ग्रीन्स दिखाए हैं Realme ने एंड यहाँ पे भी अगेन आप देख सकते हैं कि Realme की फ़ोटो में ज़्यादा ग्रीन आया हुआ है। यहाँ पे कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, पोको की इमेज ज़्यादा येलोइश हो गई है। यहाँ पे भी अगेन पोको की इमेज ज़्यादा ब्राइट लग रही है कम्पेयर टू Realme। उसके बाद ये कुछ प्राइमरी लेंस से लिए गए सैंपल है, यहाँ पे सेंसर दोनों में ही अलग है, एक में 64 है दूसरे में 48 है, दोनों ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कोई ऐसा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपको साइड बाय साइड है इसलिए इतना फ़र्क पता चल रहा है, बाकी अगर आप 1x1 देखेंगे तो आपको कोई फ़र्क भी यहाँ पर पता नहीं लगेगा। एंड कलर्स वगैरह का थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर जो पोको है वो यहाँ पर ज़्यादा सेचूरेटेड कर देता है इमेजेस को, यहाँ पे अगेन जो रियलमी की इमेज वो ज़्यादा ब्राइट है जबकि ओवरऑल देखा जाए तो पोको की इमेज बेटर लग रही है। वैसे पीछे यहाँ पे पानी भी पूरा भर गया है तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नहीं तो उस पानी में मैं ठीक है। ये एक और सैंपल है तो यहाँ पर भी अगेन जो पोको की इमेज है वो ज़्यादा सेचूरेटेड लग रही है, यहाँ पर भी ज़्यादा ग्रीन्स पोको ने दिखाया है। तो यहाँ पर पोको सेचूरेशन को बढ़ा देता है, वो चीज़ यहाँ पर क्लियर है, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। बाकी दोनों ही फ़ोन अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये अगेंस्ट द सन फ़ोटो ली थी मैंने एंड ये 64 एंड 48 मेगापिक्सल मोड में इमेज निकाली है तो यहाँ पे सेचुरेशन का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिल रहा है। अभी डिटेलिंग किस में बेटर है उसको देखने के लिए हम फ़ोटो को जूम इन करते हैं। तो अगेन यहाँ पे 64 एंड 48 मेगापिक्सल बट इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छा काम कर लेते हैं, मैक्सिमम जूम करने पर भी इतना ज़्यादा डिटेल का लॉस नहीं हुआ है। तो चलिए कुछ जूम इन इमेजेस देख लेते हैं। ये 1x मोड में निकाली हुई इमेज है, 2x जूम कर लिया है, यहाँ पे अगेन कोई भी इतना डिफरेंस नहीं दिख रहा है डिटेलिंग वगैरह में। 5x जूम कर लिया है, रियलमी में यहाँ पे ज़्यादा क्लोज आ गया जबकि पोको में इतना ज़्यादा क्लोज नहीं आया है। रियलमी में टेलीफोटो लेंस है उसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा जूम कर सकते हैं। ये कुछ मैक्रो के सैंपल है जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर रियलमी में अगेन 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है तो लाइट अच्छी रहती है तो वो ठीक ठाक वर्क कर लेता है,
बाकी डिटेलिंग वगैरह आप देखेंगे, ज़्यादा क्लोज जाना है सब्जेक्ट के तो वो आप पोको में कर सकते हैं। 5 मेगापिक्सल का सेंसर एंड काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। ये अच्छी लाइटिंग कंडीशन में मैंने फ़ोटोज़ निकाली हुई है तो यहाँ पे इतना फ़र्क आपको नहीं दिख रहा होगा। बाकी जब फ़ोटो को आप ज़्यादा जूम करेंगे, मैक्सिमम जूम कर लेंगे, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि पोको यहाँ पे बेटर वर्क करता है। चलिए कुछ फ्रंट कैमरा के सैंपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी अगेन दोनों ही फ़ोन अच्छा काम कर रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो स्किन टोन मुझे यहाँ पे पोको का बेटर लग रहा है कंपेयर टू रियलमी। बाकी दोनों ही फ़ोटो यहाँ पे बढ़िया है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन कर दिया है, यहाँ पे अगेन दोनों ही फ़ोन ने अच्छा काम किया है। बट जो सनलाइट है वो मेरे चेहरे पे आ रही है तो उसको यहाँ पे पोको ने बेटर हैंडल किया है, जो कि सरप्राइजिंग है। एंड रियल मी 6 प्रो इतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया है, पूरा इवन नहीं रख पाया चेहरा। कुछ और सैंपल देख लेते हैं। ये शेडोड एरिया में फ़ोटोज़ निकाली तो यहाँ पे भी अगेन जो स्किन टोन है वो मुझे यहाँ पे पोको का बेटर लग रहा है। टी शर्ट का कलर वगैरह यहाँ पे रियल मी में नेचुरल जरूर है बट आई प्लीजिंग फ़ोटोज़ मुझे यहाँ पे पोको की लग रही है। चलिए अभी कुछ इंडोर सैंपल देख लेते हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का सैंपल है, दोनों ही फ़ोन ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। दोनों ही फ़ोन की फ़ोटोज़ मुझे पसंद आ रही है। स्किन टोन का फ़र्क है बट दोनों ही फ़ोटो यहाँ पे अच्छी है। ये प्राइमरी लेंस है तो यहाँ पे मुझे रियलमी की फ़ोटो बेटर लग रही है क्योंकि पोको ने इमेज को यहाँ पे येलोइश बना दिया है। नहीं इश्यू मैंने देखा है पोको फ़ोन में। ये पोर्ट्रेट मोड का सैंपल है, यहाँ पे अगेन दोनों ही फ़ोन ने अच्छा काम किया है। एज डिटेक्शन का कोई इश्यू नहीं है बट जो टी शर्ट का कलर एंड स्किन टोन है वो यहाँ पे रियलमी ने बेटर रखा है, नेचुरल रखा है, जबकि पोको ने उस चीज़ को पूरा चेंज कर दिया है। कुछ और सैंपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन जैसे मैंने बताया कि पोको में आपको सेचुरेशन ज़्यादा देखने को मिल जाता है, जो प्रोसेसिंग है कुछ इस तरह से है कि उसकी इमेजेस ज़्यादा सेचुरेटेड लग रही है। बाकी ओवरऑल यहाँ पे भी क्लियरली आप देख सकते हैं कि ज़्यादा सेचुरेटेड इमेज पोको की है, जबकि रियलमी की जो इमेजेस है वो नेचुरल कलर है, एक्चुअल जो कलर है वो यहाँ पे रियलमी दिखा रहा है। तो बहुत सारे सैंपल्स लिए हैं यहाँ पे, क्लियरली आप देख सकते हैं सैंपल देखने के बाद कि ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों ही फ़ोन में। बट जो सेचुरेशन का है वो थोड़ा बहुत फ़र्क देखने को मिल रहा है, एंड स्पेशली जो ह्यूमन स्किन टोन है वहाँ पे रियलमी बेटर वर्क कर रहा है कंपेयर टू पोको। ये कुछ और सैंपल है, यहाँ पे भी अगेन आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। कुछ मैक्रो के सैंपल देख लेते हैं इंडोर लाइटिंग में। तो यहाँ पे आप पोको में ज़्यादा क्लोज जा सकते हैं सब्जेक्ट के, जबकि रियलमी में आप उतना क्लोज नहीं जा सकते हैं। जो डिटेलिंग है वो भी यहाँ पे पोको में बेटर है तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, यहाँ पे मैक्रो सेंसर जो है वो पोको का बेटर है। एंड पोको में मैक्रो लेंस से आप वीडियो भी ले सकते हैं, जो चीज़ आप रियलमी में नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। आपको मैक्रो फोटोग्राफी करनी है तो डेफिनेटली आप पोको की तरफ जा सकते हैं, एंड काफ़ी अच्छे से वर्क भी करता है जैसे आप इस सैंपल में देख सकते हैं। कुछ फ्रंट कैमरा के सैंपल देख लेते हैं। यहाँ पे दोनों ही फ़ोन ने अच्छा काम किया है बट जो ओवरऑल जो चेहरे पे लाइट है उसको यहाँ पे रियलमी ने बेटर हैंडल किया है, जबकि पोको इवन नहीं रख पाया है स्किन टोन को। पोर्ट्रेट मोड ऑन कर दिया है, एज डिटेक्शन का कोई इश्यू नहीं है बट जो स्किन टोन है उसको यहाँ पे इवन नहीं रख पाया पोको, यानी ये इश्यू मैंने नोटिस करा है पोको में। तो यहाँ पे पोको को उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, एंड उसके बाद डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें बेटर हो सकती है। बट अभी के लिए यहाँ पे Realme 6 Pro इंडोर लाइटिंग में अच्छा काम कर रहा है। तो लो लाइट सैंपल है, ये अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का यूज़ किया है, एंड यहाँ पे Realme बेटर वर्क कर रहा है, क्लियरली दिख रहा है। एंड Realme में आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में भी नाइट मोड मिल जाता है, जो कि अभी के लिए पोको में मिसिंग है। बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट के द्वारा पुश करे तो वो अलग बात है, बट अभी के लिए Realme यहाँ पे बेटर वर्क करता है। प्राइमरी लेंस का यूज़ किया है मैंने, यहाँ पे विदाउट नाइट मोड फोटो निकाली है, यहाँ पे अगेन मुझे रियलमी की फ़ोटो बेटर लग रही है। नाइट मोड को ऑन कर दिया है ना, यहाँ पे अगेन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रियलमी की फ़ोटो है बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत शार्प है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, जबकि पोको की इमेज यहाँ पे इतनी बेटर नहीं आ पाई है। उसके बाद ये एक और फ़ोटो है, विदाउट नाइट मोड निकाली है, यहाँ पे अगेन रियलमी की फ़ोटो बेटर है। नाइट मोड ऑन करने के बाद रियलमी की फ़ोटो और ज़्यादा बेटर हो जाती है। ये कुछ फ्रंट कैमरा के सैंपल है, यहाँ पे दोनों ही फ़ोन अच्छा काम करते हैं। यहाँ पे सरप्राइजिंगली जो पोको ने स्किन टोन दिखाया है वो मुझे बेटर लग रहा है कंपेयर टू रियलमी। उसके बाद अभी नाइट मोड को ऑन कर देते हैं। तो नाइट मोड ऑन करने के बाद दोनों इमेज काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड हो जाती है। एंड नाइट मोड ऑन करने के बाद दोनों इमेज मुझे पसंद आए, यहाँ पे कोई भी ऐसे मतलब क्लियर विनर नहीं है। चलिए अभी कुछ वीडियो के सैंपल भी देख लेते हैं। तो ये जो फुटेज अभी आप देख रही है, मैं दोनों ही फोन में साइड बाय साइड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे ले रहा हूँ, 1080 पिक्सल एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे अभी मैं जस्ट वॉक कर रहा हूँ। ऑडियो भी इसी के इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे स्टेबिलाइजेशन वगैरह देखने को मिलता है कि नहीं बोलो, आप लोग देख सकते हैं। एंड डायनामिक रेंज वगैरह भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे मुझे अगेन रियलमी 6 प्रो की फुटेज बेटर लग रही है, स्टेबिलाइजेशन भी वहाँ पे बेटर देखने को मिल रहा है। तो
तो ये जो फुटेज अभी आप देख रही है मैं दोनों ही फोन में साइड बाय साइड रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1080 पिक्सल 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फुटेज की क्वालिटी किस तरह की। अभी मैं जस्ट वॉक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेबिलाइजेशन मुझे Realme 6 Pro में बेटर देखने को मिल रहा है। तो ये जो फुटेज अभी आप देख रही है दोनों फोन में मैं साइड बाय साइड रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1080 पिक्सल 30 फ्रेम्स पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेबिलाइजेशन बेटर देखने को मिल जाता है। एंड अभी भी मुझे स्क्रीन पे Realme 6 Pro में बेटर दिख रहा है स्टेबिलाइजेशन। बाकी आप लोग देख सकते हैं एक्चुअल फुटेज देख रहे हैं तो आपको भी ज्यादा पता लगेगा। एंड डायनामिक रेंज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों फोन में किस तरह की है। बाकी फोकस हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे पोको में टैप करना पड़ रहा है उसके बाद फोकस हो रहा है, जबकि Realme 6 Pro में फोकस काफी तेजी से हो रहा है। तो ये जो फुटेज अभी आप देख रही है मैं दोनों ही फोन में साइड बाय साइड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड अभी मैं जस्ट वॉक कर रहा हूँ, ऑडियो भी इसी के इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। एंड दोनों ही फोन में 1080 पिक्सल 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो की क्वालिटी किस तरह की है। एंड बैकग्राउंड भी यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे Realme 6 Pro में बेटर हैंडल हो रहा है ऐसा लग रहा है। बाकी आप फुटेज देख सकते हैं दोस्तों। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही फ़ोन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, किसी भी फ़ोन ने बुरा परफॉर्म नहीं किया। हाँ, इंडोर लाइटिंग में पोको में जो स्किन टोन का इश्यू है वो अभी भी देखने को मिल रहा है। बाकी उसके अलावा जहाँ पे लाइट अच्छी होती है वहाँ पे पोको M2 Pro भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करता है। उसके अलावा लो लाइट के बारे में बात करें तो वहाँ पे Realme ने बेटर वर्क किया था कंपेयर टू पोको। एंड वीडियोज़ के बारे में बात करें तो वहाँ पे भी अगेन Realme के वीडियोज़ ज़्यादा बेटर लग रहे थे, ज़्यादा स्टेबिलाइज्ड लग रहे थे। उसके अलावा बोके वीडियो जैसे ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाते हैं Realme में, जो कि पोको में नहीं मिलते। पोको में आपको मैक्रो वीडियो जैसे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बेटर मैक्रो सेंसर है। उसके अलावा कोई भी चीज़ मुझे पोको में अभी के लिए बेटर नहीं लगी है। बट यहाँ पे आप प्राइस डिफरेंस भी देख सकते हैं, पोको स्टार्ट होता है 14,000 से, Realme स्टार्ट होता है 18,000 से। तो अगर आपका बजट 14,000 है तो आप डेफिनेटली पोको की तरफ जा सकते हैं, ले सकते हैं। बट आपका बजट 20,000 है तो आप Realme 6 Pro की तरफ भी देख सकते हैं। अभी तो Realme 7 Pro भी आ रहा है तो उसके लिए भी आप वेट कर सकते हैं, उसके साथ भी बहुत सारे कंपैरिजन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।